हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स स्ट्रेटजी को लेकर। देखिए, इससे पहले मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ मैथ्स स्ट्रेटजी के ऊपर। बहुत लोगों ने देखा है, पसंद भी किया है उसको, बट ज़्यादातर लोगों की क्वेरी थी क्योंकि मैंने वो एसएससी के ऊपर बनाई थी। ओरिएंटेशन मेरा पॉइंट था वो एसएससी को लेकर, बट इसमें हम देखेंगे कि सारे एग्जामिनेशन इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि मैथ्स की कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि हमारा मैथ्स वीक है तो हमको कैसे करनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं जीरो से एडवांस लेवल तक आपको बताऊँगा, एसएससी के मेंस लेवल तक, ठीक है। जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, सिलेबस बताऊँगा इसके अंदर, बुक्स बताऊँगा कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए, टीचर्स कौन से रहेंगे बेस्ट, और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, इस सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, नॉन मैथ बैकग्राउंड जिनका है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे करना चाहिए। और सभी एग्जाम्स को अलग अलग लेकर चलूंगा मैं। एसएससी में जो मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या रहेगा, या वेटेज के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, या रेलवेज या वन डे एग्जामिनेशन कोई भी होता है उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन रखनी, राइट। और मेरी स्ट्रेटजी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने डिमांड करी थी, ठीक है। तो वीडियो को लंबा ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मैथ्स को तीन चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं हमेशा। मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, और ये आप सभी जानते होंगे कि पहला पॉइंट हमारा होता है अरिथमेटिक, सेकंड होता है एडवांस मैथ, और तीसरा होता है हमारा डीआई, जिसको कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट। अब देखिए, मैं अरिथमेटिक के वाले टॉपिक आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वैसे नॉर्मली सभी जानते होंगे, सभी एग्जाम का लगभग एक ही ये सिलेबस होता है, फिर एडवांस का बताऊंगा, फिर डीआई का। देखिए, अरिथमेटिक में कौन कौन से होते हैं, पहला होता है परसेंटेज, जो बेस होता है पूरी अरिथमेटिक का। अगर आपको अरिथमेटिक में परसेंटेज में दिक्कत हो रही है तो आपको ओवरऑल सभी में दिक्कत होगी, तो इसलिए कहते हैं सबसे बेस आपका जो मजबूत करता है वो है परसेंटेज, उसको परफेक्टली आपको करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला आपका टॉपिक होता है परसेंटेज, फिर होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत वैल्यूबल रहता है। देखिए, सिलेबस के साथ वेटेज भी बताऊंगा कि इनका वेटेज क्या है इन चैप्टर्स का आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में। दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, तीसरा आपका टाइम एंड वर्क होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर होता है एवरेज, फिर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, फिर पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप बहुत ही कम पूछा जाता है, अगर आप पूरे एग्जामिनेशन की शिफ्ट वाइज देखेंगे 30 है तो 30 में से लगभग आधा ही उसमें मैं देखूंगा कि लगभग एक या दो शिफ्टों में पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है बॉटन स्ट्रीम, जो पार्ट किसका है, टाइम एंड डिस्टेंस का है, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका हो जाता है, ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको सारे बता दिए, अगर एक आध कोई छूट गया होगा, वैसे मेन यही है जो आपके सारे अरिथमेटिक में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवांस के ऊपर। एडवांस में मैं आपको बता देता हूँ, पहला होता है नंबर सिस्टम। देखिए, कई लोग अरिथमेटिक में इंक्लूड करते हैं किसको, नंबर सिस्टम को, और कई लोग एडवांस में करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो ये एडवांस के अकॉर्डिंग इसको हमको ऐड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अरिथमेटिक बेस नहीं होते, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हो गया आपका, ट्रिगो हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, फिर आपका हो गया अलजेब्रा, ठीक है। अब इसमें फिर आपका बता देता हूँ डीआई। डीआई के आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे ज़्यादातर पाँच ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत वैल्यूबल रहते हैं, और डीआई बिल्कुल डिपेंड होता है किसके ऊपर, अरिथमेटिक। जितनी आपकी अरिथमेटिक अच्छी होगी उतना ही आपका डीआई के सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे। दूसरी चीज डिपेंड करती है आपकी कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन आपकी कैसी है, तभी आपके डीआई के क्वेश्चन अच्छे होंगे, ठीक है। वैसे हालांकि अगर आप सीडीएस एग्जामिनेशन में देखेंगे तो डीआई अच्छी लेवल की पूछी जाती है, जैसे बैंक हो गया उसमें भी अच्छी लेवल की पूछी जाती है। अब तो सीजीएल मीन्स जो आ रहा है इसमें भी डीआई का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया, तो इसमें आपका वैल्यू करता है कैलकुलेशन सबसे वैल्यू, और दूसरा अरिथमेटिक, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको अरिथमेटिक के बारे में बता रहा था। देखिए, परसेंटेज सबसे बेसिक है, इसको आपको जरूरी ही करना है, जितना हो सकता है इस पर ज़्यादा कमांड करिए, ठीक है, और इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं, पर पूरा डिपेंड जो अरिथमेटिक है इसी से रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं कितना वैल्यू करता है। सबसे ज़्यादा वैल्यूबल अरिथमेटिक में अगर हम टॉपिक को कहते हैं वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत वैल्यूबल रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, जहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है, सीजीएल प्री के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट दो से तीन क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंस में तो लेवल वही होता है, सारे क्वेश्चन वैसे होते हैं, बस थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी बहुत वैल्यूबल टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। सबसे पहले कमांड आपको करना है परसेंटेज में, फिर आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तीसरा आपको ज़्यादा टाइम एंड वर्क, इससे भी लगभग एक या दो क्वेश्चन खींच के दो क्वेश्चन आते हैं, वैसे एक ही क्वेश्चन आता है प्री के एग्जामिनेशन में बता रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक या दो क्वेश्चन खींच के दो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको, और एवरेज से भी एक क्वेश्चन, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता ज्यादातर एग्जामिनेशन में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, आप सभी को पता होगा, बहुत नॉर्मली से बहुत क्वेश्चन होते हैं, अच्छा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसलिए ज्यादातर सीजीएल हो गए या अच्छे एग्जामिनेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, दो या तीन हो जाते कई बार, पर पक्का दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं इसमें से। फिर आपको ज्यादा पार्टनरशिप, बहुत रेयर बताया मैंने आपको, नहीं आता, बहुत रेयर होता है, बट आपको इसको स्किप आप कर नहीं सकते। अच्छा, एक और रह गया था टॉपिक, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे बेसिकली अगर बोले तो डायरेक्टली उससे बेसिस क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं अरिथमेटिक में जिसमें मिक्सचर एलिगेशन आपको आना ही चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं बॉटन स्ट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे अगर बोले तो टाइम डिस्टेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी से रिलेटेड आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद आता है रेशो, इससे पक्का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ओवरऑल आपको ये अरिथमेटिक समझ में आ गया, इतने ही सीजीएल में बता रहा हूँ जो एसएससी के एग्जाम के हिसाब से ये आते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले बोला था मैं सारे एग्जाम को ओरिएंटेशन मेरा सारे एग्जामिनेशन को लेकर है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो या आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ इस पर डिपेंड करेंगे। देखिए, अगर मैं एसएससी के हिसाब से बताऊँ तो एसएससी में अरिथमेटिक का लेवल बोलेंगे
या वेटेज बोलेंगे बहुत कम है, अब बहुत कम होता जा रहा है, ज़्यादातर वेटेज है एडवांस लेवल का, ठीक है। अब जैसे मैं एडवांस का मैंने आपको बता दिया, पहले मैं एडवांस के दो तीन आपको बता देता हूँ वेटेज क्या है। देखिए अलजेब्रा के तीन क्वेश्चन तो पक्के आते हैं, ये 100% याद रखिएगा, दो क्वेश्चन तो मिनिमम है और तीन क्वेश्चन ज़्यादातर एवरेज रहता है कि तीन क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। फिर आपका हो जाता है ज्योमेट्री, बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया लगभग दो तीन साल से ज्योमेट्री का, चाहे आप मेंस के एग्जामिनेशन में देख लीजिए या प्री के एग्जामिनेशन में, और सबसे बड़ी बात क्या है अच्छे लेवल के क्वेश्चन थोड़े पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर आपका आ जाता है मेंसुरेशन, ये बहुत कम आता है बट आते हैं, कभी ऐसा होता है कि एकदम क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, आएगा तो एक आएगा नहीं तो कभी नहीं आएगा, और कई शिफ्टों में ऐसे देखा जाता है कि दो से तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट बेसिकली अगर बोलूँ तो इनके अकॉर्डिंग इसका वेटेज थोड़ा कम रहता है एडवांस मैथ में, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं आजकल और ज़्यादा वेटेज है इसका दो से तीन क्वेश्चन का, राइट। और नंबर सिस्टम, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, नंबर सिस्टम बहुत वैल्यूएबल हो जाता है क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत से टॉपिक हैं, सभी को पता होगा, जल्दी जल्दी बता दो, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, शर्ट्स हो गया, ठीक है, एस सी एफ एल सी एम हो गया, सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बता दिया, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड आ जाते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल सा होता है, मैं आपको बताऊँ ज़्यादा इसमें टफ नहीं होता नंबर सिस्टम, इसलिए इसमें ज़्यादा वेटेज इसका नहीं है, लगभग एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अब मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, और डीआई के पांच क्वेश्चन होते हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यह जो आपका मैं बता रहा हूँ जो पूरा रेशियो है, अब बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जैसे रेलवेज एग्जामिनेशन में एडवांस मैथ बहुत कम पूछी जाती है, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन अगर आपने स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दिया होगा आपको दिखेगा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, जैसे ट्वेल्थ लेवल का दे रहे हैं, ग्रेजुएशन में दे रहे हैं तो बहुत कम होता है एडवांस लेवल, बट अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको इसी चीज़ को देखना है कि आपका एग्जामिनेशन किसकी तैयारी आप कर रहे हैं, अगर रेलवेज या अदर एसएससी को छोड़ के आप तैयारी कर रहे हैं तो अरिथमेटिक आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, और अगर एसएससी आपका ओरिएंटेशन पॉइंट है तो आपको परफेक्ट याद रखना है कि आपकी एडवांस बहुत अच्छी हो तभी आपके मार्क्स आएंगे, राइट। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं बोलूँगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उनके लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डीआई मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन का खेल है, दूसरा अरिथमेटिक इसके साथ इंक्लूड हो जाता है। तो ओवरऑल देखिए तो दोनों का रेशो इक्वल है वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा बुक, कौन सी बुक्स हमको करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आपको करना है। सबसे पहली बात, जिनका बहुत ज़्यादा वीक है या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है जिनका, जिन्होंने कभी मैथ्स पढ़ी नहीं है मतलब टेंथ के बाद, तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपका लेवल कितना भी हाई है या कितना भी लो है आपको एक बुक के साथ निकलना पड़ेगा, वो है आर एस अग्रवाल। मैं बेसिकली अपने बारे में बताऊं तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, ऐसी दिक्कत नहीं थी कभी, ट्वेल्थ तक मेरी अच्छी रही है, मैंने ग्रेजुएशन में ही मैथ पढ़ी है, बट आर एस अग्रवाल को मैंने भी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब मेरी प्रिपरेशन थी, क्योंकि बहुत ही एक आपको जब किसी एग्जाम में जाना है तो उसका बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है, तो आपको बेसिक के लिए आर एस अग्रवाल करना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूं आपको आर एस अग्रवाल, इसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, अगर आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती है, वैसे तो वहां पर उन्होंने पहले एक्सप्लेनेशन दिया होता है, पहले आप उसको कंप्लीट करिए, फिर आपका एडवांस थोड़ा सा बेसिक लेवल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं और जो बहुत ही नीडी हैं आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बोले थोड़ा आपको लेवल ऊपर लेके चलना पड़ेगा तो राकेश यादव क्लास नोट्स आते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सोच लीजिएगा पहले, कई लोग बोल देते हैं आप बुक्स बता रहे हैं, तो राकेश यादव बुक बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको बोलूँ बहुत से मैंने मार्केट में देखी है, बट इनकी बुक मेरे को थोड़ी ठीक लगती है, जो क्लास नोट्स इन्होंने प्रोवाइड कराए रेलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर किसी को स्टैटिक जीके को लेकर कोई भी इशू है या आपकी वोकैबुलरी खासकर सिनोनिम्स एंटोनिम्स को ऊपर लेकर, तो मैंने ई बुक बना रखी है, लोगों ने बहुत पसंद किया है उसको, अगर आपको लेना है उसमें मैंने सारे टॉपिक इंक्लूड कर रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन टॉपिक वाइज, और वो बहुत वैल्यूबल रहता है किसी भी एग्जामिनेशन को, यही नहीं एसएससी नहीं कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिट रहेगी वो स्टैटिक जीके और आपका वोकैबुलरी का। अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, नहीं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर इसको मैसेज करके मुझे वहाँ से आप ले सकते हैं, व्हाट्सअप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कई दिक्कतें हो जाती, कई लोग उसमें रजिस्टर नहीं कर पाते, ठीक है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात, टीचर के बारे में आपको बता देता हूँ, टीचर अगर मैं आपको बोलूँ आप कोई एसएससी के हटकर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, ठीक है, जिसमें मैथ्स का लेवल ठीक होता है, ज़्यादा हाई नहीं बोलूँगा मैं, तो आप यूट्यूब का सारा लेके बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ टीचर्स के नाम बता दूँ या आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, जैसे वाईफाई स्टडी हो गया रेलवेज एग्जामिनेशन के लिए, या कोई भी ऐसा छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे डीएसएसबी के होते हैं, या आपको मैं बताऊँ एमटीएस का होता है, आप वाईफाई स्टडी वगैरह या एग्जाम पूर ऐसे चैनल्स का सहारा ले सकते हैं। बट एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीपीओ का एग्ज़ाम देना आपको, सीएचएसएल का देना है या आपको सीजल का देना है, तो आपको इन प्लेटफॉर्म की तरफ मत जाइएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा कम रहता है। मैंने इनके खुद कई लोगों ने बोला था, मैंने एक बहुत अच्छे टीचरों की बताई थी कि बेस्ट टीचर कौन से हैं आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें मैंने एक दो टीचर जो बहुत लोग पसंद करते हैं मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो उसमें लोगों को बहुत दिक्कत हुई, लोग कह रहे कि ऐसा क्यों नहीं लिया आपने टीचर्स का नाम, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ हमेशा, मैंने खुद उनकी पर्सनली वीडियो देखी जब मैंने ऐसे देखा कि ज़्यादा कमेंट्स चीज़ को है, आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो उनका बेसिक तो ठीक है, सब चीज़ ठीक है, बट उतना एडवांस लेवल के वो क्वेश्चंस नहीं बताते या उनको प्रॉब्लम होती है मैं नहीं जानता, बट मेंस लेवल तक का कभी ये
जो टीचर्स हैं जिनका मैं नाम बता रहा हूँ आपको, चैनल प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, ये इतने हाई लेवल के क्वेश्चन ना तो कराते हैं ना मैंने देखा है, तो आपको उन तरफ नहीं जाना, आपको रेलेवेंट कंटेंट देखना है जो आपको मिल जाता है। हाँ, अगर इनसे अलग आपको SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप अलग टीचर से कर रहे हैं, तो आप ईजिली आप इन टीचर्स का या प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। और यूट्यूब के टाइम अगर जब से यूट्यूब आए तो उससे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझता कि आपको कोई और देखने की ज़रूरत है। बहुत सी वीडियोज़, बहुत से अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। राइट, पहली बात क्लियर हो गई। अब SSC का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैंने बता दिया कोई रेलवेज होगा या कोई छोटे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो आपको सिंपल याद रखना, जैसे SSC GD हो गया, MTS हो गया, जिनका लेवल थोड़ा कम होता है, जिसमें अरिथमेटिक ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको कोई टीचर्स के लिए जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पहले टॉपिक क्लियर करने हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट परसेंटेज डालिए, आपको कोई भी टीचर मिल जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस, उसके बाद आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं SSC के लिए। मैंने टीचर्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी थी, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मैंने सभी के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ उन्हीं टीचर पर जाइए जिनको आपको रेलेवेंट कंटेंट मिलता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई भी आप मेरी करंट की वीडियोस देखिए या कोई भी GK की, इंग्लिश की, मैं आपको रिलेट करके इसलिए इजीली बता देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियोस इसलिए पसंद आती है क्योंकि आप डायरेक्ट रेलेवेंट कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराते हैं कि एग्जाम में SSC में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद तैयारी करी है, इसलिए मैं प्रोवाइड करा पाता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ उन्हीं तरफ जाइए जिन्होंने या तो एग्जाम क्लियर करा हो या तैयारी बहुत अच्छे से उनकी रही हो और जिनको नॉलेज हो उस एग्जामिनेशन के पर्पज से। तो हमेशा बोलता हूँ राकेश यादव सर की ले सकते हैं, कई और टीचर भी हैं बट मैं ज़्यादा लोगों को प्रेफर नहीं करता। एक आइडियल टीचर मैं उन्हीं को बोलता हूँ, खुद एक्साइज इंस्पेक्टर रहे वो, और आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, इतना लंबा मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप समझ लीजिएगा कौन से टीचर्स के आप जा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, उन्हीं पर जाइएगा जिनको नॉलेज है इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी एग्जामिनेशन है कोई भी टीचर की तरफ आप भाग रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहले तो आपको BC की बुक लेनी, RS अग्रवाल, फिर राकेश यादव के क्लास नोट्स आप ले सकते हैं, उनकी पब्लिकेशन की बुक आती है। फिर आपको किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रीवियस ईयर जरूर करिए, या तो आपको ऑनलाइन सोर्स मिल जाएगा, जैसे SSC के लिए तो आपको बुक्स मिल जाती हैं, बट जैसे कई एग्जामिनेशन है आपके छोटे छोटे एग्जामिनेशन होते हैं और उनमें वैकेंसी अच्छी आती है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल SSC MTS या GD लेवल का आपको मैथ्स आपको करके निकलनी है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आती ऐसे एग्जामिनेशन में। पहली बात क्लियर हो गई होगी आपको जो मैं समझा रहा हूँ आपको। प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत मैंडेटरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन का लेवल क्या है या आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, और SSC की बात बताऊँ तो मैं आपको फिर बोलूँगा राकेश यादव की बुक आती है 7300, आप उसको कर लीजिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कोई ज़रूरत है, क्योंकि किरण के कंपेरिजन मुझे अच्छी लगती है, कई लोग किरण बोलते हैं बट किरण में जो किरण की बुक है बहुत उसके अंदर लेंदी सॉल्यूशन दे रखा है जो आपके एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल याद रखिएगा प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है और बाकी आपकी चॉइस है जो आप जिस बुक से आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ, चाहे वो SSC हो कोई भी एग्जामिनेशन हो, मेंस लेवल तक का मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत मिसलीडिंग फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है कि टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे इस बार के मैं खुद बोलूँगा, और इस बार टीचर ने ही ये हवा उड़ा रखी है, क्या SSC CHSL जो 2020 का जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया है कोरोना की वजह से, उसमें मैथ बहुत ज़्यादा टफ आई है। ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत रेलेवेंट और आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। एग्जाम इतना टफ नहीं था, मैथ्स के क्वेश्चन ये मानूंगा कि कुछ क्वेश्चन अच्छे आए थे लेवल के, और वो 4 से 5 क्वेश्चन ही थे जो अच्छे लेवल के थे, ये नहीं कि 25। और सबसे ज़्यादा लोग यही इस चीज़ में मिसलीड हो जाते हैं, टीचर्स का काम है डराने का, अगर जब तक आप डरोगे नहीं तब तक आप उनका बिजनेस नहीं बनाओगे। ठीक है, अगर आपको पता चला है टफ क्वेश्चन है तो आप जरूर, अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो आप जरूर लेंगे, अगर ले रखिए तो फिर दोबारा लेंगे, यही एकदम बिजनेस होता है। आपको ये समझना, देखिए 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन टफ आ रहे, तो आपको 20 क्वेश्चन में पहले कमांड करनी है जो आपके पक्के होने ही चाहिए, उसके बाद आपको थोड़ी तैयारी करनी है, तो अपनी खुद तैयारी बढ़ाइए, ऐसी तरफ मत भागिए। और मैं आपको खुद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बहुत नामी नामी टीचर बोलते हैं, मैं बेसिकली मैं उनको पसंद नहीं करता ऐसे टीचर्स को, जैसे अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं SSC CHSL की जो स्विफ्ट हो रही थी, कोई भी टीचर यूट्यूब पे जो इतने बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे मैथ्स के, उन्होंने खुद लाइव क्लास नहीं ली एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन को लेकर। आप खुद समझिए, अगर मैथ्स के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं आपके सामने, आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप उनको बिना देखे अगर आपने पहले क्वेश्चन को करा नहीं और आप ईजिली करके निकल जाए, आपको टाइम लगेगा, और टाइम टेकिंग उसमें टाइम इतना ज़्यादा इतना कम होता है SSC के एग्जामिनेशन में, आपको सोचने का कुछ टाइम होता ही नहीं है। अगर आपने उसको करा होगा तभी आप करके निकलेंगे, लेकिन इतना जीनियस कोई स्टूडेंट नहीं आया है। IIT को मैं अलग मानूंगा जो IIT वगैरह के क्रैक करके निकले होते हैं, बट जो अब नॉर्मल होते हैं वो SSC के ही नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, इतने हाई क्लास के नहीं होते। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है। और वो खुद लाइव क्लास में कभी क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं देते, आप देख लीजिएगा कोई भी टीचर हो, वो पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फिर उसको लेकर फिर वो नौटंकी शुरू हो जाती है उनकी जो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड में शुरू हो जाते हैं डिजिटल बोर्ड में, कि ये तो बहुत ईजी था इसको ऐसे कर लेंगे। जब आप एग्जामिनेशन में वो खुद बैठेंगे ना तो वो खुद नहीं कर पाते। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ और समझा देता हूँ। SSC CGL 2017 मेंस हुआ था, उसमें इतनी हवा बनाई थी कि बहुत मींस लेवल तक बहुत टफ आए क्वेश्चंस। एक्चुअल में बोले तो टफ था वो, बेसिकली अगर मैं बोलूं, मैंने खुद उसकी तैयारी करी थी और मैं खुद मटेरियल लेकर आया था, टफ था बट इतना ज़्यादा टफ नहीं था। ओवरऑल अगर आप पूरे सिनेरियो के हिसाब से देखते तो उस 100 क्वेश्चन में से मात्र
20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े अच्छे लेवल के थे, और ज़रूरी नहीं कि आपको सारे ही करने हैं, 80 क्वेश्चन कर लेते तो आपके लिए सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। आप प्री में अच्छे मार्क्स लाइए, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, यही ज़रूरी थोड़ी कि मैथ्स में अगर जो 20 क्वेश्चन आए उनको भी करना है। और इसी पे बहुत से टीचर जो उसी समय तैयारी कर रहे थे, एग्जाम भी नहीं निकला, उन्होंने टीचर बन गए। तो आपको इन चीज़ों से ध्यान रखना है कि आपको क्या समझना है, राइट। तो मैं आपको क्लियर कर दिया, मैंने आपको ऐसी तरफ मत जाइए, हार्ड क्वेश्चन की तरफ मत जाइए, पहले अपना बेसिक मजबूत करिए। आर एस अग्रवाल वाली बुक हो गई, फिर आपको जो बेसिक्स जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपको कुछ सिनेरियो समझ में आ जाएगा। हाँ, दो तीन क्वेश्चन या चार पाँच क्वेश्चन टफ आते हैं उसको स्किप कर दीजिए, बट मैथ्स में मैं बोलूँगा हार्ड क्वेश्चन करने हैं, बट एक लिमिटेड सोर्सेज के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक उसको करना है, या आप सभी को बेवकूफ़ बना जाता है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ओवरऑल समझ में आ गया, टीचर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, वैसे मैंने वीडियो बना रखी आप देख सकते हैं उसके ऊपर प्रॉपर, बट मैं हमेशा बोलूँगा पहले अपने आप में मजबूत करिए, बेसिक मजबूत करिए, फिर आप टीचर की तरफ जाइए। और टीचर को बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट कंटेंट देते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा जाता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में देखिए मैं आपको क्या बोलूँगा, वीकली करिए, आपको वीकली ही करनी है। और ये ध्यान रखिएगा, एक कमेंट भी आया था कि हम तैयारी अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अभी लगाना टेस्ट जरूरी है कि नहीं, लगाइए बिल्कुल, अगर आपकी तैयारी एकदम स्टार्टिंग फेज़ में है फिर भी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में तैयारी में रहेंगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, अपनी तैयारी आपको चेक करने का टाइम मिलता है। इतनी मैथ्स तो किसी की वीक नहीं होती कि 0-0 नंबर आ रहे हैं, पहले कम आएंगे फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, वीकली जरूर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरी बात आ जाती है कि ऑफलाइन दे कि ऑनलाइन दे, तो मैं आपको क्लियर कहूँगा इस चीज़ को कि ऑफलाइन ही लगाइए, एक बुक खरीद लीजिए, ठीक है, और हो सकता है तो बिल्कुल ऑफलाइन लगाइए वीकली, बट ऑनलाइन आपको लगाना है मंथ में एक, और वो भी कौन सा लगाना है, लाइव टेस्ट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो फ्री में लाइव टेस्ट देते हैं, आपको बस वही करना है। देखिए, मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को चेक करने के लिए होता है, ये नहीं कि कई लोग एक एक दिन में दो दो टेस्ट लगाते हैं, वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो देखिए ऑफलाइन लगाइए, वो भी वीकली लगाइए। ऑनलाइन लगाना है तो आपको पूरा एक महीने के अंदर एक ही लगाइए कि आपकी तैयारी को आपको ओवरऑल समझ में आ जाए, वो भी लाइव टेस्ट, उस जगह जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, आपको अपनी रैंक भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल समझ में आ गया होगा, मैंने सिलेबस हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, चाहे वो रेलवेज़ हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, सभी जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और जिनमें मैथ्स पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, मेंस लेवल तक, मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और एडवांस के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो बुक बताई है मैंने, एडवांस हो गया, अरिथमेटिक हो गया, क्लास नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। और एडवांस के लिए लेना है तो प्रॉपर ले लीजिए, बहुत से अच्छे टीचर अभी ने मैथ्स की भी आती है, राकेश यादव की भी आती है, कई लोग एडवांस मैथ्स की प्रोवाइड करा रखे हैं, बट आपको खुद पहले कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको एसएससी के मेंस लेवल के एडवांस के लिए कोई बुक के लिए प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्लियर रख लीजिएगा। और मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो मैंने खुद फॉलो करी थी, मैथ्स की बुक या कोई भी, जैसे क्वांटम कैट मैंने पढ़ी थी बट उतनी रेलेवेंट नहीं मानता हमारे एग्जाम के हिसाब से, वो कैट लेवल की, ठीक है। तो ओवरऑल समझ में आ गया आपको, आ गया होगा, पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया, बुक्स बता दी, टीचर्स बता दिए, और मॉक टेस्ट कैसे लगाने। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो क्वेरी आप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई करने की, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।